तो हेलो बच्चों, अभी हम लोग न्यूमेरिकल वर्जन जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं अभी कुलाम सलाह का। ठीक है, तो हम लोग अभी कुलाम सलाह का न्यूमेरिकल कैसे हैंडल करेंगे ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप खुद से पहले ट्राई करें वीडियो को पॉज करके, उसके बाद फिर आप मिला के देख लें। ठीक है, और देन आफ्टर आपकी जो थिंकिंग है वो मिला है। ठीक है, कहाँ कंसेप्ट लैगिंग हो रहा है, कहाँ लीडिंग हो रहा है, जो भी है उसको हम लोग चेक करेंगे। तो जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर वन जो बहुत ही बेसिक वेक्टर का सवाल है, और मुझे उम्मीद है सारे बंदे बनाओगे, बनाओगे ना? बिल्कुल। ठीक है, तो देखते हैं सारे बंदों के लिए है, जो बनाएंगे वो भी अच्छे हैं, जो नहीं बनाएंगे वो और अच्छे हैं, उनको पढ़ा लिखा नहीं करना है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर वन बहुत ही बेसिक सवाल है आपका वेक्टर का। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड है ए। हाँ ठीक है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस में चार्ज है हमारा क्यों। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है ए। ठीक है, ये हमारा साइड है ए, तो ये ए है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, है ना? अब आपसे पूछा गया है कि इसमें नेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, क्या पूछा गया है, नेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना लग रहा है, तो जरा ट्राई करें। वेरी गुड, कुछ लोगों ने तो दिमाग लगाना शुरू कर दिया होगा। चलिए, तो बना लिए, वेरी गुड। तो जिन लोगों ने बना लिया बहुत अच्छा, जो लोग नहीं बना पाए वो थोड़ा सा देखें। ठीक है, तो देखिए, तो आप इस चार्ट पे निकालिए। ठीक है, हाँ, तो इस चार्ट पे नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, तो जब भी न्यूमेरिकल बनाते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके बनाएं, एंड देन आफ्टर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे आपको नेट फोर्स, आप किसी को भी काउंट कर सकते हो, या आपकी मर्जी, आप किसी को भी काउंट कर सकते हो, या आपकी मर्जी। तो देखो हमने इसको काउंट किया, तो ये हमारा चार्ज क्यू है। अच्छा, अगर ये हमारा चार्ज क्यू है तो इस चार्ज क्यू के कारण इसमें एक फोर्स लगेगा, है ना? तो ये इस पे देखो हमारा मेन टारगेट है, ये हमारा एफबीडी है, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है। तो न्यूटन का क्या कहता है, ये मार खा रहा है बेचारा, तो जितने लोग इसको मार रहे हैं सब सारे हिस्से का मार खाएगा ये। तो ये चार्ज इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये हुआ फोर्स, है ना? ये वाला जो फोर्स है इस चार्ज के कारण है। ठीक है, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो क्या। वेरी गुड, और आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला चार्ज भी इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, ये किधर लगाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको धक्का मारेगा। यहाँ पे भी इसने धक्का मारा, तो ये भी धक्का मारेगा, है ना? क्योंकि तो दोनों सेम काइंड के हैं, तो ये भी इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये दोनों फोर्स हो गए। आप अगर जरा ध्यान से देखोगे तो ये दो फोर्सेस लगे हैं इस चार्ज क्यों, है ना? तो बताओ ये चार्ज किधर जाएगा, इधर या इधर? नहीं, इन दोनों फोर्सेस का हम बार बार बोल रहे हैं एलजेब्रिक एडिशन नहीं कर देना। ये नहीं कि नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इज सर टू एफ, सर क्या, सर क्यों एफ प्लस एफ टू एफ होता है सर? अरे बेगो, ये वैक्टर है ना, फोर्स हमारा क्या है, वैक्टर है। तो इन दोनों फोर्सेस का वैक्टर एडिशन करेंगे। ठीक है, तो वैक्टर एडिशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देखो अगर आप इनका रिजल्टेंट निकालने का कोशिश करोगे तो इसके टेल को इसके हेड में रख दो, है ना, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। तो जब आप इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे तो देखो ये रिजल्टेंट फोर्स आएगा, तो ये है आपका नेट फोर्स, मुझे यही फोर्स निकालना है, ये वाला फोर्स। अच्छा, आप अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे तो बहुत आसान है। ध्यान से देखो, आपने पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल आपको अगर पता है और दोनों का मैग्नीट्यूड पता है तो आप रिजल्टेंट फोर्स का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, है ना? अब बोलो सर इसका मैग्नीट्यूड कहां पता है? आप ध्यान से देखो तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये चार्ज और ये चार्ज सेम है, दूरी ए है, तो इसका भी देखो चार्जेस तो सेम है और दूरी है, तो ये दोनों फोर्सेस एफ ही मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जितना फोर्स लगाएगा ये भी तो उतना ही फोर्स लगाएगा, है ना? तो दूरी भी सेम है, चार्जेस भी सेम है, तो एफ। अब सवाल है सर एफ की वैल्यू कितनी है, तो इसको मैं निकाल के रख लेता हूं। तो ध्यान से देखो एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाया है तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, के। ठीक है, और बार बार मैंने बोला जब कुछ ना दिया जाए तो वैक्यूम लेंगे, क्या लेंगे, वैक्यूम, के का वैल्यू वैक्यूम वाला लेंगे। ठीक है, तो के Q1 के जगह Q, Q2 के जगह ये K, Q1 के जगह Q, Q2 के जगह Q, by ये डिस्टेंस A है ना? So this is your KQ² / A² ठीक है, ये हमारा आ गया। इसको निकाल के आप रख सकते हो या बाद में भी निकाल सकते थे, और एक आपने निकाला तो इनडायरेक्टली ये भी कैलकुलेट हो चुका है, तो ये आपका हो गया फोर्स। अच्छा सर, अगर ये फोर्स हो गया, आप बताओ ये मुझे रिजल्टेंट निकालना। अच्छा, आप जानते हो कि अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ना? तो रिजल्टेंट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा, रूट अंडर, याद है, रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला a² + b² + 2ab cos थीटा। तो a के जगह f का स्क्वायर, b के जगह भी f का स्क्वायर प्लस 2ab cos। अच्छा cos कितना, तो ध्यान से देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये 60 डिग्री है, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का भी एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री, है ना? आप इसको सॉल्व कर दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगा √3 टाइम्स ऑफ एफ,
है कि नहीं? देखो कैसे, एफ स्क्वायर टू एफ स्क्वायर बाई टू, ये टू कैंसिल, रूट थ्री है। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये रूट थ्री हो गया और हमारी एफ की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू है हमारी एफ की, ठीक है, ये एक फोर्स वाली, ये वाली एफ, ये हमारी, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, किसी को कंफ्यूजन नहीं रखना है, तो आप कुछ भी समझ सकते हो, इसको एफ डैश मान लो रिजल्टेंट, या एफ रिजल्टेंट भी लिख लो, सबसे बढ़िया एफ रिजल्टेंट, एफ रिजल्टेंट। तो एफ रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी हमारी, तो रूट थ्री टाइम्स ऑफ एफ। अब यहाँ पे एफ कितना है, तो ये एफ देखो ये वाला वैल्यू है, तो रूट थ्री टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये हमारा पहला सवाल है, मुझे लगता है ये बहुत इजी सवाल था, तो सारे लोगों का बन गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू हम लोग जरा देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर टू कैसा है, ध्यान से देखेंगे, अभी वेक्टर के एकदम बेसिक बेसिक सवाल करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, अगर आप क्वेश्चन नंबर टू को देखेंगे, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है जिसका साइड है ए, ये दिया हुआ है, ठीक है, दिस स्क्वायर इज ऑफ साइड ए, एक स्क्वायर है वो साइड ए का है, और इसके वर्टिसेस में चार्ज रखा हुआ है क्यू क्यू क्यू, है ना। तो आपको पूछा गया है कि किसी एक चार्ज में, किसी एक कॉर्नर चार्ज में नेट फोर्स कितना लगेगा, ये आपको निकालना है, ठीक है, किसी एक कॉर्नर चार्ज में नेट फोर्स कितना लगेगा, ठीक है, वेरी गुड। तो वीडियो को पॉज करके बनाइए, अच्छा चलिए बन गया, वेरी गुड। हाँ तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको एनालाइज करेंगे, है ना। अच्छा आप इस चार्ज को देखो, तो ये कितना फोर्स लगाएगा, तो अगर ये ए है तो ये एक फोर्स लगाएगा, मान लेते हैं हमारा एफ, ये मान लो हमारा एफ वन फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये हमारा एफ वन। तो देखो अगर हम इसको काउंट कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी को भी काउंट कर सकते थे, हमने इसको ले लिया, तो अगर ये हमारा एफ वन लगाना है, ध्यान से देखिए ये हमारा कितना फोर्स लगा रहा है, एफ वन, ठीक है, तो अगर ये हमारा F1 लगा रहा है तो ये भी हमारा F1 ही लगाएगा, है ना, क्योंकि दूरी भी सेम है, चार्जेज भी सेम है, तो ये भी हमारा F1 लगाएगा, है कि नहीं। तो ये दो हो गए F1 F1, वेरी गुड। तो ये भी F1, है ना, क्या ये भी F1 लगाएगा, ना, ध्यान से देखो चार्जेस तो सेम है लेकिन ये डिस्टेंस बिल्कुल अलग है, तो ये वाला हमारा लगेगा F2। आप इसको कुछ भी ले सकते हो, हमारा एक फोर्स ले सकते हो हमारा F2, है ना। अब ध्यान से देखो, तो इस चार्ज में कुल टोटल तीन फोर्स लग रहे हैं, क्योंकि तीन अलग अलग चार्जेस इसमें अलग अलग तरीके से फोर्स लग रहे हैं, और एक और चीज ध्यान रखो, ये प्लस साइन है इसलिए हमेशा रिपल्सिव रहेगा, लेकिन अगर ये माइनस होता और इधर का साइन अलग होता, मान लो कुछ नहीं, तो साइन के हिसाब से पता चलता कि फोर्स का डायरेक्शन किधर है ना, हर बार रिपल्सिव होगा ऐसा नहीं है, लेकिन हमने यहाँ प्लस ले लिया, अब क्या करें, ले लिए तो ले लिए, ठीक है। तो अगर ये प्लस है तो ये प्लस इसको इधर धक्का मारेगा, ये प्लस इसको इधर धक्का मारेगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो ये इसको इधर धक्का मारेगा। अब आप जरा ध्यान से देखो, अगर आप इनका रिजल्टेंट निकालना चाहोगे तो कैसे निकाल सकते हो, आप देखो, अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, आप इसको देखोगे कि तो 45 डिग्री पे ही है ना। तो अब आपको इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, जिसमें F1, F2 का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो F नेट, है ना, तो जो F आपका आएगा वो कैसे निकलेगा, तो अगर आप वेक्टर देखोगे तो F1, ये है आपका F1, ये है आपका F1, और ये है आपका F2, है कि नहीं। अब आप देखो इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो F1 और F1 का रिजल्टेंट निकाल लो, ठीक है, अगर आप F1 और F1 का निकालोगे तो ये तो 90 डिग्री पे है ना, इन दोनों का वेक्टर एडिशन पहले कर लो F1 और F1 का। तो पहले आप देखो F1 का निकाल लो और फिर F1 का निकाल लो, तो आप देखोगे जब आप F1 F1 का निकालोगे तो ये आएगा रूट टू टाइम्स ऑफ F1, है ना, और आप ऑब्जर्व करोगे इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट भी उसी लाइन में आ रहा है जिस लाइन में F2 है कि नहीं। तो आप बताओ इन दोनों का तो रिजल्टेंट आ गया रूट टू F2, और अब बताओ, तो अब ध्यान देखो आप इन दोनों का वेक्टर एडिशन करो, तो इन दोनों के हेड को कंबाइन करोगे तो सीधा है एक डायरेक्शन में, तो इनका सीधा कॉम्बिनेशन आप क्या लिखोगे, ध्यान से देखो F2 प्लस रूट टू टाइम्स ऑफ F1, है ना। ये अच्छा हमने डायरेक्ट ये क्यों ऐड करके लिखा है, ध्यान से देखो F1 और F1 का F2 के अलोंग आया रूट टू F1, है कि नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर रूट टू कैसे आएगा, देखो F1 F1 तो पाइथागोरस एडिशन से रूट टू F1। अच्छा आप देखोगे तो ये जो रूट टू F1 आया ये भी उसी लाइन में है जिस लाइन में F2 है, तो रूट टू F1। अब देखो इन दोनों का वेक्टर एडिशन करो तो F2 प्लस रूट टू F1, है ना। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर दो। अब सवाल है कि सर F2 प्लस रूट टू F1 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप F1 तो निकाल ही सकते हो, मैं निकाल के छोड़ रहा हूं, बाकी आप कर लोगे, ठीक है। तो F1 का कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, है ना, तो ये F1 निकल गया, ठीक है, K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। कुछ लोग बोलेंगे सर F2 कैसे निकालेंगे, ये भी सोच सकते हो, तो ध्यान से देखो अगर आप F2 निकालना चाहते हो तो F2 के लिए क्या करोगे, K, ठीक है, ये K कांस्टेंट, देखो क्यू 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 स्क्वायर बाई ए, ए के जगह क्या, ये वाली दूरी, अच्छा देखो ये अगर ए है ये ए है तो ये तो रूट टू ए हुआ, है ना।
अब इसका तो ई का स्क्वायर, तो रूट टू ए का होल स्क्वायर है ना, रूट टू ए का होल स्क्वायर पुट करोगे। अब इन सारे वैल्यूज को यहां पे पुट कर दो, ये वैल्यूज यहां और ये वाला वैल्यू यहां, अब जो भी आएगा यही आपका नेट रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप ये दो सवाल समझ लोगे। अब हम लोग तीसरा सवाल को एनालाइज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे और एनालाइज करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारा कुछ वेक्टर पर बेसिक कंसेप्ट का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा देखिए, इस तरह के सवाल बहुत ही कॉमन है। ठीक है, और आ भी सकते हैं, तो पहले हम लोग समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को एनालाइज करेंगे। ठीक है, जैसे एक सवाल देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3, ये सवाल को एनालाइज कीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास चार्जेस है। ठीक है, इस तरह के भी सवाल बहुत कॉमन है। मान लीजिए कि हमारे पास दो चार्ज है, एक क्यू और एक है हमारे पास 4Q। आप कुछ भी ले सकते हो, क्यू और 4Q। ठीक है, आप एक लाइन है, एक लाइन में हमारे पास दो चार्जेस हैं, क्यू और 4Q। ठीक है, ये दो फिक्स चार्जेस हैं। कौन से चार्जेस हैं? फिक्स हैं। ठीक है, क्यू और 4Q। ध्यान से सुनिए सवाल क्या है। एक लाइन है, लाइन में क्यू और 4Q हमारे पास दो चार्जेस हैं, और दोनों चार्जेस के बीच की दूरी जो है वो हमने एल लिया हुआ है। ठीक है, अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप बताइए, एक चार्ज को हम इसी लाइन में, हम कहीं भी इस एक चार्ज को हम कहां पे रखेंगे इस पूरे स्पेस में कि नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज, जिसको हम लोग रखने वाले उस चार्ज पे नेट फोर्स इन दोनों चार्जेस के कारण 0। ठीक है, यही हम लोग को देखना है। तो पहला आप देखो कि स्पेस में ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं इस लाइन के अलावा। सोचो क्यों, अगर आप यहां पे लोगे तो देखो ये भी धक्का लेगा, अगर आप पॉजिटिव लेके चलते हो तो ये भी इसको धक्का लगाएगा, ये भी धक्का लगाएगा। तो देखो दो वेक्टर अगर ऐसे होंगे तो इसका 0 तो कभी हो नहीं सकता। इधर भी कहीं भी लोगे तो 0 नहीं होगा, लेकिन लाइन में हो सकता है, क्योंकि लाइन में पैरेलल भी आ सकते हैं, एंटी पैरेलल भी। तो यही एक लाइन है, स्पेस में आप कहीं भी ले सकते हो, तो स्पेस में आपको थोड़ी आसान है, यहां पे भी ले लेंगे। तो देखो अगर आप यहां पे भी ले लेते हो स्पेस में, तो देखो ये इधर लगाएगा, ये इधर, इसका रिजल्टेंट कभी 0 आ ही नहीं सकता। यहां लोगे तो देखो ये इधर, देखो यहां लोगे तो इसका इधर जाएगा, ये रिजल्टेंट कभी 0 नहीं आ सकता। तो स्पेस में कहीं नहीं हो सकता ये, हाँ लेकिन इस लाइन में हो सकता है। अब सवाल ये है कि मैं इस लाइन में वो पॉइंट कहां चूज करूं जहां पे कि नेट फोर्स 0 आ जाए, है कि नहीं। अब आप ध्यान से देखो, तो मुझे वो पॉइंट सेलेक्ट करना है जहां पे क्या आ जाए, नेट फोर्स 0 आ जाए। किस पे? जिसको हम लोग रखने वाले हैं। ठीक है, वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे नेट फोर्स 0 लगेगा। ठीक है, यही हमारा टारगेट है, कोई भी चार्ज रख दे, प्लस माइनस कुछ भी। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, तो चलो अब हमें इतना तो समझ में आ गया, ये लाइन का 3 इलाका है, ये रीजन नंबर 1 है ना, ये इलाका रीजन नंबर 2 और रीजन नंबर 3, इन्हीं तीनों इलाका में कहां रखेंगे। एक बात तो आप देखो कि इन तीनों इलाका में आप यहां पे रख सकते हो क्या, जरा चेक करते हैं एक बार, ये रीजन 1 में, तो ये हमारा रीजन 1 है, नहीं आप रख सकते। देखो कैसे, क्योंकि अगर ये चार्ज हमारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, कोई भी चार्ज रखो, प्लस रखोगे तो भी ये भी क्या करेगा, धक्का मारेगा, और ये भी क्या करेगा, उसको धक्का मारेगा। ध्यान से देखो, यहां रखोगे कि दोनों मिलके एक डायरेक्शन में धक्का मारेंगे, है ना, ये भी क्या करेगा, धक्का मारेगा, ये भी क्या करेगा, धक्का मारेगा। अगर ये माइनस चार्ज रखोगे तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों में यहां पे इस लाइन में कहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा सेम रहेगा। तो आप देखो, अगर इस इलाके में कहीं लेते हो पॉजिटिव चार्ज को काउंट करते हो, तो अगर इसके कारण फोर्स इधर लगेगा, इसके कारण इधर, तो इसके कारण भी इधर लगेगा, ये भी तो उसको धक्का मारेगा, तो ये इलाका पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये इलाका पॉसिबल नहीं है, क्या ये पॉसिबल है, जरा चेक करते हैं, देखो ये पॉसिबल है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप यहां पे भी रखोगे किसी चार्ज को, तो देखो ये भी धक्का मारेगा, तो ये जितना फोर्स लगाएगा इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये भी तो उसी डायरेक्शन फोर्स में लगा रहे हैं, तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है, मतलब ये इलाका भी पॉसिबल नहीं है। तो अब आते हैं इसमें, देखते हैं इस इलाके में क्या चांस है, देखते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखो, इस इलाके में चांस बनता ही नहीं। तो अगर आप कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर दो, ठीक है, क्या हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कोई एक पॉइंट, कहीं भी। ठीक है, अभी फिलहाल समझने के लिए पहले साइन का समझते हैं। तो यहां पे देखो, तो देखो ये वाला चार्ज इधर से इधर की तरफ धक्का मारेगा, है ना। तो अगर आपके पास ये दो चार्जेस हैं, यहां पे रखोगे, कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करोगे, किधर भी, अभी बाद में रखें, इधर या इधर कहीं भी, तो आप ध्यान से रखो, अगर आप इधर से धक्का लगाओगे तो ये इधर से फोर्स लगाएगा। तो अगर यहां पे कोई चार्ज है, इसमें दो तरीके से फोर्स लगे, एक ये चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, है ना, और ये चार्ज इधर फोर्स लगाएगा। तो देखो दोनों के कारण, इसके कारण फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ हो रहा है, इसके कारण, है ना, इसके कारण फोर्स का डायरेक्शन इधर हो रहा है, और उसके कारण फोर्स का डायरेक्शन इधर हो रहा है। हो सकता है कि यहां पे फोर्स के डायरेक्शन अपोजिट हो, यानी अगर हम लोग प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लेंगे, अगर फोर्सेस के मैग्नीट्यूड
कहीं मैच कर गई तो यहाँ पे चांस है, लेकिन इधर मैग्नीट्यूड मैच करे ना करे कोई चांस नहीं है। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड मैच करे ना करे कोई चांस, लेकिन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए एक चांस बन सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा प्लान। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे वो पॉइंट कौन सा है ना। तो देखो कॉमन सेंस क्या कहता है, वो पॉइंट इसके नजदीक होना चाहिए, इसके नजदीक। तो आप ध्यान से रखो, वो पॉइंट इसके नजदीक कभी भी नहीं ले सकते। क्यों बेटा? यहाँ पे अगर आपने इसके नजदीक कोई पॉइंट लिया तो सोचो क्या होगा, लॉजिक से सोचो, ध्यान से देखो। अगर इसके नजदीक लेंगे तो एक तो चार्ज भी ताकतवर है और डिस्टेंस भी कम है, तो यानी इस पॉइंट पे जो भी चार्ज आप रख रहे हो उस पे फोर्स दोहरी तरीके से मार कर रहा है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो देखो आपका ये के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, इसको मान लो क्यू वन, तो देखो क्यू टू भी आपका स्ट्रॉन्गर है और आर भी कम है, मतलब यहाँ पे फोर्स पे तो दोनों मार पड़ रहे हैं ना। तो यानी कि अगर चार्ज स्ट्रॉन्गर है तो कभी भी उसके नजदीक नहीं रख सकते आप, ठीक है, क्योंकि उसके नजदीक रखोगे तो एक तो बेटा अपने फोर्स डबल टाइम से मल्टीप्लाई हो सकता है। सोचो क्यों, एक तो बेटा को चार्ज का फायदा मिल रहा है अपना, और दूसरा आप उसके नजदीक रख दिए तो उसको आर का भी फायदा मिलने लगा है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, तो आपको मैग्नीट्यूड बराबर करने की कोशिश करनी है। आप यहां रख दोगे तो भी तो नेट फोर्स ज्यादा रहेगा, इसका इसी का बोलबाला रहेगा, क्योंकि एक तो खुद ताकतवर है और ऊपर से आपने आर का भी इसमें ताकत आजमा दिया, तो इसको तो फायदा ही हो गया। ठीक है, तो मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है। जहां चार्ज कमजोर है तो देखो आपको बैलेंस करना होगा, मतलब इधर नहीं रख सकते तो इधर ही कहीं रख सकते हैं, तो ये इलाका इधर के लिए न्यूमेरिकल से हम लोग इस बात को समझेंगे। लेट दैट डिस्टेंस बी एक्स, ये हमारा दूरी क्या है, एक्स है, ठीक है, ये दूरी एक्स है। अच्छा ये दूरी मैंने नहीं दिया था क्या, लेट दैट बी एल, इसको कुछ भी ले लो एल, ठीक है, ये क्या लेंगे एल ले लेंगे, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनो, तो देखो ये क्यू और फोर क्यू, अब आप जरा देखो तो ये पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। अच्छा आप सोचो यहां पे अगर कोई भी चार्ज आपने रखा क्यू, तो इस पे ये भी फोर्स लगाएगा है ना, तो इस पे एक फोर्स इधर लगेगा, इस क्यू पे देखो एक फोर्स इधर लगेगा, तो दिस इज फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू क्यू, और एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, लगेगा कि नहीं, एंड दिस इज फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू फोर क्यू। अब आप इन दोनों को सॉल्व करो। अच्छा आप यहाँ पे इस वैल्यू को निकालोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा देखते हैं, कैलकुलेशन डायरेक्ट करते हैं, तो ये फोर्स तो के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर है ना, ये वाला डिस्टेंस एक्स है तो एक्स स्क्वायर इधर वाला, ठीक है, और इधर वाले फोर्स का वैल्यू कितना है, तो देखो के फोर क्यू क्यू बाई, अच्छा ये अगर एक्स है और ये एल था तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, एल माइनस एक्स है ना, तो दिस इज एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही आएगा हमारा। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गया होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने का भी एक टेक्निक देख लो, के क्यू क्यू ये सब तो कैंसिल हो गए, अब आप देखो तो यहां पे आपका हो गया फोर और ये हो जाएगा एल माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर है ना, क्योंकि ये फोर रह गया एल माइनस एक्स। आप इसको अगर और थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये टू इज इक्वल टू एल माइनस एक्स बाई एक्स आएगा है ना, आप इसको सॉल्व करोगे तो टू एक्स इज इक्वल टू एल माइनस एक्स, सो दिस गिविंग यू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल बाई थ्री। अच्छा ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू जो एल बाई थ्री आई वो इसके सामने ही आ रहा है, क्यों आ रहा है इसके सामने, ऑब्वियस ही बात है, एल की वैल्यू इसका अगर इसको चार्ज का फायदा नहीं मिल रहा है बेचारे को, तो इसको कम से कम डिस्टेंस का तो फायदा आपको देना होगा, इसको चार्ज को नजदीक रखना होगा, तब तो ये थोड़ा सा अपना फोर्स को बढ़ा चढ़ा के दिखा सकता है। अब बेचारे का चार्ज भी कम डिस्टेंस भी कम तो पॉसिबल नहीं है। तो आई होप मुझे लगता है ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है, तो चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो अब हमारा अगला सवाल है एकदम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, तो इस सवाल को भी देखें, क्वेश्चन नंबर फोर है ना, तो इस सवाल को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। देखो फिर से वैसा ही कुछ सवाल है, एक लाइन है, इस लाइन के अलॉन्ग दो चार्जेज हमारा, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, एक चार्ज हमारा ठीक है क्यू, और इस बार एक चार्ज हमारा माइनस फोर क्यू, ठीक है। ध्यान से देखो, एक लाइन में हमारे पास दो फिक्स चार्जेस हैं Q और माइनस फोर क्यू, ठीक है। इस बार फिर से हमें इस लाइन में के अलाउंग, क्योंकि इधर फिर से वैसा ही कुछ होगा, इस लाइन में ही मात्र ये लाइन में कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे कि कोई तीसरा चार्ज थर्ड चार्ज नेट फोर्स जीरो महसूस करेगा, ठीक है, ये लाइन ही पॉसिबल है, अदरवाइज और कोई पॉइंट पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई और पॉइंट लेते हो तो जरा ध्यान से देखो क्या होगा, अगर आप यहां लेते हो तो देखो यहां पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो ये इसको इधर धक्का मारेगा, इसमें फोर्स तो इधर लगेगा लेकिन ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो एक फोर्स इधर, तो रिजल्टेंट इधर होगा, मतलब जीरो कहीं इधर हो ही नहीं सकता, वो लाइन के अलावा इस स्पेस में ऐसा और कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता, इसलिए हम लोग इस लाइन का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर तुम लोग बुद्धि लगाओ तो मेरा सवाल यह है कि कहां पे हम लोग इस लाइन में एक चार्ज को रखेंगे, ठीक है, और ठीक है कहां पे रखेंगे और
यहाँ किस जगह पे रखेंगे कि नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट थर्ड चार्ज इज जीरो, ठीक है, और तीसरा चार्ज नेट फोर्स जीरो महसूस करेगा। तो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, चलिए बनाइए, ठीक है, बना, वेरी गुड, ठीक है, चलिए बन गया होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। तो देखिए, पहले ये समझिए कि मैं इन तीन इलाकों को चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, कि देखना चाहता हूँ कि कौन सा वो रीजन है जहां पे कि नेट फोर्स जीरो हो जाए, ठीक है, वो उस थर्ड चार्ज पे। तो मैं इस इलाके में किसी चार्ज को रखना चाहता हूँ, यहाँ भी, यहाँ भी। तो चलिए एक बार देखो, हम लोग जैसे पिछले सवाल में देखे थे कि वो बीच वाला इलाका था, मिडिल वाला इलाका था, क्या यहाँ पे मिडिल वाला इलाका में नेट फोर्स जीरो हो सकता है? देखते हैं। अगर सोचो आपने कोई एक चार्ज यहाँ रख दिया, प्यारा सा चार्ज, हमने यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा, कहीं ये दूरी अभी हम लोग नहीं निकाल रहे, ये डिस्टेंस नहीं निकाल रहे, एग्जैक्ट पोजिशन नहीं निकाल रहे, बस ये देख रहे कि इस रीजन में कहीं पे कोई हो सकता है क्या कुछ। तो चलिए एक चार्ज हम लोगों ने क्यू रख दिया। अच्छा, अगर आप इस क्यू को यहाँ देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये क्यू चूंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये क्यू इस क्यू को इधर की तरफ धक्का लगाएगा, है ना। तो ये जो मिडिल में जो क्यू है, इधर भी एक चार्ज है क्यू और इधर एक माइनस है। तो अगर मान लो कि मेरे थोबड़ा को आप इस क्यू चार्ज से इंडिकेट कर दो, तो इधर का पॉजिटिव चार्ज मेरे थोबड़े को इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो एक फोर्स इधर लगेगा, है ना, जो किस कारण से लगाया वो चार्ज के। अच्छा, तो ये भी क्या करेगा, तो ये तो निगेटिव है और मेरा थोड़ा पॉजिटिव है, तो इधर नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो आप ध्यान से देखो, दोनों मिलके इस जगह पे इस बार दोनों का नेट फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये धक्का मार रहा है, ठीक है, तो इसका ये धक्का मारा, इसलिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर है, और ये इसको समझ मार ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, इसलिए अभी भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर है। तो इस बार आपने देखा कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक ही डायरेक्शन में, मतलब इस इलाके में कहीं भी चार्ज रखोगे बिटवीन क्यू एंड माइनस फोर क्यू, नेट फोर्स का डायरेक्शन हमेशा इधर होगा, मतलब ये पॉसिबल रीजन नहीं है, तो ये इलाके में कहीं पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा, कुछ लोग बोलेंगे सर ठीक है, ये इलाका तो पॉसिबल नहीं है, तो यहां तो रख नहीं सकते, इधर भी रख सकते क्या? ध्यान से देखो, अगर आप इधर की तरफ रखना चाहोगे तो क्या गड़बड़ है, देखते हैं। तो अगर आप इधर की तरफ चार्ज रखोगे, कुछ लोग बोले हाँ सर ये तो ठीक लग रहा है सर, इधर तो हो सकता है, बिल्कुल देखते हैं, चेक करते हैं। अगर आप इधर की तरफ चार्ज रखोगे तो ये माइनस फोर क्यू अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना, इसको बोलेगा आजा, ठीक है, ये बोलेगा आजा प्यारे पास हमारे। अच्छा, इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, बहुत अच्छा। अच्छा, इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इसलिए इसमें इसके कारण तो ठीक है इधर की तरफ फोर्स, लेकिन ये अभी बचा हुआ है तो ये इसमें फोर्स लगाएगा, है ना, तो इसमें जो फोर्स लगेगा इसके कारण वो इधर की तरफ लगेगा, तो फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू इधर एंड फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू माइनस फोर क्यू, है ना, इधर इधर। अब जरा ध्यान से रखो, यहां पे फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब हो सकता है मे बी कि इस इलाके में नेट फोर्स जीरो लगे, लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हो सकता? ध्यान से सुनो, इसलिए नहीं हो सकता, भले डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ध्यान से सुनिए, भले डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट है, लेकिन जरा आप ध्यान से देखो, इन दोनों की मैग्नीट्यूड कभी इस इलाके में बराबर हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो, ये वाला फोर्स हमेशा स्ट्रॉन्गर रहने वाला है। क्यों? अब आप लोग सोच रहे हो सर ये क्यों स्ट्रॉन्ग रहेगा? पहला, एक तो चार्ज भी खतरनाक है और ये डिस्टेंस भी कम है, ध्यान से देखो, तो ये फोर्स हमेशा स्ट्रॉन्गर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको चार्ज का भी फायदा मिल रहा है, इसको अट्रैक्ट करने वाला चार्ज भी खतरनाक है, और जो चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है वो काफी नजदीक भी है, इसलिए इसको इसका एक बड़ा फायदा मिल रहा है। जबकि ये वाला चार्ज इसको धक्का मार रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन इसको दोनों तरीके से घाटा हो रहा है, एक तो बेटा चार्ज भी कम है और दूसरा, ध्यान से देखो, चार्ज भी कम है और दूसरा डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो ये एकदम पिटी सा फोर्स है ना। तो देखो इसको डबल फायदा मिल रहा है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा एकदम ताकतवर मस्कुलर टाइप का दिख रहा है, इसको फायदा नहीं मिल रहा है, तो ध्यान से देखो इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो मतलब ये भी रीजन पॉसिबल नहीं है, तो ये इलाका भी पॉसिबल नहीं है, ये इलाका भी पॉसिबल नहीं है। अब बचा हमारा कौन सा? ये वाला रीजन है ना। अब इस इलाके को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जरा ध्यान से देखो, देखते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये इलाका बचा हुआ है तो यही होगा, बिल्कुल यही होगा, लेकिन चेक तो कर लेते हैं। देखो, अगर आप यहाँ पे कोई एक चार्ज रखोगे क्यों, ठीक है, आप इस इलाके में कोई एक चार्ज रखोगे क्यों, तो देखो ये क्या करेगा, ये इसको रिपल मारेगा, है ना, ये क्यों क्या करेगा, इसको रिपल मारेगा, बिल्कुल मारेगा, ठीक है, इसने इसको रिपल मार दिया, तो इसने इसको रिपल मारा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इस बार इस फोर्स को मस्कुलर थोड़ा सा बना है, देखो उसके जितना मस्कुलर नहीं है, ये फोर्स थोड़ा सा मस्कुलर है, तो बता रहा हूं क्यों। देखो इस बार इसको मस्कुलर होने का कारण क्यों है, ठीक है, इस बार इसको मस्कुलर होने का कारण क्यों नहीं, इसका डिस्टेंस है, इसको इस बार आर का फायदा मिला है ना, ये नजदीक था इसलिए थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया, है ना। अच्छा ठीक है, इसने तो धक्का मार दिया, अब इस भाई साहब से पूछते तुम क्या करोगे उस चार्ज के साथ, बोलेगा भैया मैं निगेटिव वो पॉजिटिव, उसको कैसे दूर जाने दूंगा,
ठीक है, तो वो अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो जब अट्रैक्ट करेगा तो उसके फोर्स का भी आप मैग्नीट्यूड को ड्रॉ करोगे, तो वो भी फोर्स का मैग्नीट्यूड इधर हो सकता है बराबर हो जाए, इधर हो सकता है कोई एक ऐसा जगह हो सकता है बराबर हो जाए। क्यों? ध्यान से, यहां पे इसका वैल्यू ताकतवर होने का कारण डिस्टेंस है, जबकि यहां पे इसका वैल्यू ताकतवर होने का कारण चार्ज है, हो सकता है। तो ये वो इलाका है जहां पे, समझ में आ रहा है ना, इस चार्ज को डिस्टेंस का फायदा मिलेगा तो इस चार्ज को चार्ज का फायदा मिलेगा, और वो ये दोनों को अगर एक एक फायदा मिलेगा तो हो सकता है इस इलाके में कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जहां नेट फोर्स जीरो होगा, तो ये वो पॉइंट हो सकता है। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है एक्स, तब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब बताओ ये भाई साहब इसको क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, तो धक्का मारने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल दो, के क्यू क्यू बाई ये दूरी कितनी है यहां से एक्स, तो दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा वो हम डिस्टेंस निकालने की कोशिश करें, वो कौन सा जगह है, वो कौन सा जगह है जहां पे कि इस पे नेट फोर्स जीरो होगा, है ना, यही हम लोग ट्राई कर रहे हैं इस बार, ठीक है। तो के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वो जगह है ना, तो वो एक्स का पॉइंट निकालने की कोशिश करो, तो के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा इसके लिए तो ये हो गया, अच्छा इसके लिए कैसे निकालेंगे, तो देखो ये इसने तो धक्का मारा, ये अपनी तरफ ये कर रहा है, तो इसका देखो इसका जो होगा इसका वैल्यू कितना होगा, तो देखो के ठीक है फोर क्यू, है ना, क्योंकि डायरेक्शन का यूज कर लिए इसलिए माइनस क्यू को लेकर प्रॉब्लम में नहीं रहना, मैं बार बार बोल रहा हूँ फोर्स को हम लोग मैग्नीट्यूड से ही इंडिकेट कर रहे हैं, तो क्यू बाई और यहाँ पे इस बार डिस्टेंस कितना लिखेंगे, तो देखो ये वाला चार्ज की यहां से दूरी कितनी हो गई, तो ध्यान से देखो, तो ये दूरी थी एल, ये वाली सॉरी यहां से ये दूरी थी एल, है ना, यही तो आपका चार्ज था, ठीक है, तो ये दूरी एल और ये दूरी एक्स, तो टोटल डिस्टेंस अब आप लिखोगे एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और आप इसको सॉल्व कर देना, ठीक है, तो जो भी आएगा वो, तो देखो अगर इस तरह का सवाल आता है तो आपको तीनों इलाके में चेकआउट करना है, ठीक है, पॉसिबल डायरेक्शंस पहले चेकआउट कीजिए, अगर डायरेक्शन सेटिस्फेक्शन लग रहा है कि हो सकता है देन आफ्टर मैग्नीट्यूड चेकआउट कीजिए, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवाल हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है, वेरी गुड। हाँ तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन इस पर आईआईटी में भी सवाल आ चुका है, ठीक है, और अब से हम लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट में थोड़ा सा डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से आपका जेई का भी पार्ट शुरू हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जेई का पार्ट भी शुरू हो रहा है, जेई मेंस में इस जगह से भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको इस टॉपिक पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसा सवाल है ये सवाल, ध्यान से देखो पिछले वाले सवाल जैसे ही लेकिन थोड़ा सा अलग किया गया है, तो इस क्वेश्चन को इसलिए इस बार मैं थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। मान लो कि वही चार्ज हमारे पास था, वही जो हम लोग पहले ले रहे थे क्यू और क्या ले रहे थे फोर क्यू, है ना, ये हमारा वही चार्ज था क्यू और फोर क्यू, लेकिन पिछले हर बार हम लोगों ने इन चार्जेस को फिक्स किया था, याद करें, और हमने बोला था कि एक थर्ड चार्ज रख रहे थे और उस थर्ड चार्ज में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, हमने क्या बोला था, हमने जो थर्ड चार्ज रखा था उस थर्ड चार्ज में नेट फोर्स जीरो होना था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ये चार्जेस फिक्स नहीं है, पहला फिर से समझे, पिछले बार वाले सवाल में ये चार्जेस फिक्स थे, मुझे उस थर्ड चार्ज को कहां रखना था जिसपे नेट फोर्स जीरो लगे, लेकिन इस बार सवाल को ध्यान से सुने, ये चार्जेस फिक्स नहीं है, ठीक है, और इस बार मुझे थर्ड चार्ज भी रखना है, और उस थर्ड चार्ज को कहां रखेंगे कि उसमें नेट फोर्स तो जीरो लगे ही साथ में ये चार्जेस भी नेट फोर्स जीरो महसूस करें, पहला, और दूसरा उस चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है, उस चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ये हमारा दो सवाल है। तो पहला समझना है, तो हम लोग पहला ये सवाल है कि हम लोग एक थर्ड चार्ज क्यू, एक थर्ड चार्ज क्यू इस लाइन में कहां रखेंगे, थर्ड चार्ज क्यू कहां रखेंगे, ठीक है, और तो लोकेशन ऑफ क्यू पहला हमारा क्या है, तो ध्यान से सुनिए, लोकेशन ऑफ क्यू, लोकेशन ऑफ क्यू, ठीक है, हमारा पहला सवाल है कि लोकेशन ऑफ क्यू क्या होगा, और दूसरा वैल्यू ऑफ क्यू, चार्ज की कितनी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, सो दैट समझ में आ रहा है ना, होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम का मतलब सारे चार्जेस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, सो दैट होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यही हमारा सवाल। तो ध्यान से देखिए सवाल को, आप खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हैं खुद से भी, तो क्वेश्चन को प्लीज क्लियरली एकदम अच्छे समझिए, क्वेश्चन क्या है एकदम क्लियरली समझ गए, ये चार्ज और तीसरा चार्ज रखना है इन सच अ मैनर दैट नेट फोर्स ऑन ऑल ऑफ दिस चार्जेस जीरो हो जाए, ठीक है, यही हमारा सवाल है। चलिए तो ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, बहुत अच्छा। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं,
तो इस क्वेश्चन को अगर जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगा। तो हम लोग पहले देखो, हमें तो तीनों पे नेट फोर जीरो करना है, पहला बात। तो हमें तीनों पे नेट फोर जीरो करना है, तो पहले उस लोकेशन को निकाल देते हैं जिसमें जिस चार्ज को रख रहे हैं उसमें ही नेट फोर जीरो हो जाए, है ना। उसके बाद उस चार्ज की वैल्यू देखेंगे। तो पहला, आप उस लोकेशन को हम लोग पिछले ही न्यूमेरिकल में बना चुके हैं कि वो लोकेशन हमारा क्या है, है ना। तो वो लोकेशन हमारा क्या है, तो ये हम लोग देखे थे कि वो लोकेशन ये नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इस लोकेशन में पॉजिटिव रखोगे तो दोनों मिलकर धक्का लगाएंगे, नेगेटिव रखोगे दोनों मिलकर प्यार जताएंगे, यहाँ पे भी पॉजिटिव रखोगे दोनों मिलकर धक्का लगाएंगे, नेगेटिव रखोगे दोनों मिलकर प्यार लगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ कहीं रखते हो तो एक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में धक्का लगाएंगे या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में प्यार लगाएंगे, है ना। तो नेट फोर्स फिर क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो ये वो इलाका है। और जब हमने सॉल्व किया था तो वो एक्स की वैल्यू, अगर ये डिस्टेंस हमने एल लिया है, मान लीजिए यही पिछला सवाल जैसा है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही थी। तो देखिए, ये पिछले ही वीडियो पिछले जस्ट न्यूमेरिकल में हमने डिस्कस किया है, इसलिए आप इसको वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो वैल्यू आ रही थी, x की वैल्यू आ रही थी l / 3, है ना। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ द चार्ज, यानी ये वो लोकेशन है जहां पे हम लोग चार्ज को रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप किसी भी चार्ज को रखिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप कोई भी टाइप का चार्ज को रखिएगा, नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज जीरो होगा। क्यों? अगर आप प्लस को भी रखिएगा, प्लस क्यों भी रखेगा तो दोनों मिलकर धक्का लगाएंगे तो भी जीरो। माइनस क्यों रखिएगा तो ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा तो भी जीरो, है ना। तो नेट तो जीरो होगा। इस चार्ज को लेकर कोई टेंशन नहीं है, इस चार्ज का कुछ भी वैल्यू रख दोगे आप, नेट फोर जीरो होगा, ठीक है। कुछ भी वैल्यू, कुछ भी साइड रख दोगे, नेट फोर जीरो होगा। लेकिन जरा ठहरो, मेरा सवाल ये नहीं है कि ये भाई साहब, ठीक है, इन भाई साहब को सिर्फ इक्विलिब्रियम में रखना है। मेरा सवाल है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखो यहां पे कौन सा चार्ज रखेंगे कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर प्लस रख देते हैं, जरा देखते हैं, तो एक केस लेके देखते हैं, केस नंबर वन, अगर प्लस रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो क्यू, फोर क्यू और एक प्लस क्यू चार्ज, है ना। तो अगर आपने यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा तो देखो क्या होने वाला है, ध्यान से देखें। अगर आपने यहाँ पे प्लस क्यू रखा तो देखो ये तो बेचारा इक्विलिब्रियम में रह जाएगा, है ना, ये तो रह जाएगा। लेकिन आप इसमें से किसी एक को चेक करो, देखो आप इसी को चेक करो, तो आप इस पर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अगर प्लस है तो ये भी धक्का लगा रहा है ना, और अगर ये भी प्लस है, ये प्लस प्लस तो धक्का लगाएगा ही लगाएगा, तो ये भाई साहब तो इसको धक्का लगाने से पीछे नहीं रहेगा। और अगर ये प्लस है तो ये भी धक्का, दोनों मिलकर अगर धक्का लगाएंगे तो ये बेचारा कभी इक्विलिब्रियम में रह सकता है, नहीं रह सकता। मतलब कि यहां पे प्लस क्यू चार्ज आप नहीं रख सकते हो। क्यों? प्लस क्यू रखोगे तो ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, मैं मानता हूं ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन ये दोनों इक्विलिब्रियम में कभी नहीं रह सकते, है कि नहीं। तो मुझे ऐसा क्या करना है, तो केस टू एक बार आजमा के देख लेते हैं, ठीक है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। केस टू, तो केस टू में आप कौन सा चार्ज रखोगे, तो देखो मेरे को इसमें नेट फोर जीरो करना है, ठीक है। तो देखो केस टू, तो क्यू फोर क्यू, एक बात तो आप समझ गए, इसमें वो जो लोकेशन था एक्स इक्वल डेल वाई थ्री, यहाँ किसी भी तरह का चार्ज को इसमें तो इक्विलिब्रियम रहता ही है, इसको लेकर ज्यादा टेंशन ही नहीं। इस पे देखो, अच्छा ये भाई साहब अगर इसको रिपल मान रहे हैं तो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इसको कोई अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए, तो अट्रैक्ट करने वाला यहाँ पे इधर की तरफ एक तभी कोई फोर्स लग सकता है जब यहाँ पे कोई माइनस चार्ज हो, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई माइनस चार्ज हमें रखना है, तभी ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह सकता है। अगर आप माइनस रखोगे तो ये भी इक्विलिब्रियम में रहेगा और ये सब मिलकर इक्विलिब्रियम में रह सकता है, आप चेक कर सकते हो इसको लेकर। लेकिन अगर आप प्लस रखोगे, यहाँ पे जैसे आपने प्लस रखा मिडिल में, यहाँ पे प्लस रखा, तो ये भाई साहब इक्विलिब्रियम में रहेंगे लेकिन ये दोनों अनइक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन लेंगे हम लोग। पहला ये तो क्लियर हो गया, देख लो अच्छे से, सोच लो, अगर कहीं किसी को डाउट हो तो पूछ भी लो, ठीक है। वेरी गुड, कह रहा हूँ सर अच्छा मजाक हो रहा है, कैसे पूछेंगे। वेरी गुड, ध्यान से देखो। तो अब हमारा अगला टारगेट ये है कि ये चार्ज की वैल्यू कितनी, इतना तो हम समझ गए कि ये माइनस क्यू जैसा कुछ चार्ज है, इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया। लेकिन अब हमें निकालना है कि नेट इस चार्ज की वैल्यू कितनी है, है ना। तो पहला तो लोकेशन क्लियर हो गया था, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर सबको आ गया था, लोकेशन एक्स इज इक्वल टू एल बाई थ्री, उसको लेकर कोई टेंशन बिल्कुल नहीं, वेरी गुड। दूसरा सवाल हमारा क्या है, ध्यान से सुनो, बार बार मैंने बोला इस तरह के सवाल बहुत ही फेमस है तो आते हैं। तो दूसरा सवाल है कि इस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, तो माइनस साइन का होगा, तो क्यू की वैल्यू माइनस में होगी, ये कंफर्म है। बस मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर, व्हाट्स मैग्नीट्यूड, है ना। तो चलिए सोचते हैं, अच्छा मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो बताइए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहां पे आप इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लगाओगे, तीनों तो इक्विलिब्रियम में, यहां लगाओगे यहां या यहां। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहां लगाएंगे, देखो अगर आप यहां लगाओगे तो आपसे बड़ा ढक्कन कोई नहीं, क्यों, ध्यान दो आपको इसकी वैल्यू निकालिए ना, हाँ इसी की वैल्यू निकालिए ना, आप यहीं पे इक्विलिब्रियम लगा रहे हो तो आपसे बड़ा ढक्कन कोई नहीं। सोचो क्यों, क्योंकि जब आप इस वैल्यू को इस पे इक्विलिब्रियम लगाओगे तो इस पे दो फोर्स दिखेंगे, है ना, एक फोर्स तो इधर वाला भी दिखेगा,
तो इधर भी आपका एक्सप्रेशन में के क्यू फोर क्यू बाई जो भी दूरी है वो तो लिख देंगे, है ना, डी स्क्वायर जो भी दूरी है पैरेलल होगी। और यहां पे जब आप लिखोगे तो के क्यू क्यू बाई कुछ और डी वन दूरी, ये दूरी हम नीचे वाला कुछ भी रखेंगे। ध्यान से देखो तो ये क्यू इधर भी दिख रहा है, ये क्यू इधर भी दिख रहा है, तो ये क्यू तो कैंसिल हो, तो कहां से आएंगे आंसर? अरे मूर्खो, तो यानी यहां पे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने यहां पे इक्विलिब्रियम निकाला तो ये क्यू इसमें भी दिखेगा और दोनों साइड दिखेगा कि ये तो चल बसेगा, है कि नहीं? और अगर ये चल बसा तो इसकी वैल्यू कौन देगा? हाँ ठीक है, किसी गुंडे को उतना ही मारो कि वो चल बसे ना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो दूसरे को मारो, उसमें खौफ हो जाए, ठीक है, वो अपने आप आंसर बता देगा। उसी तरह से इक्विलिब्रियम का कभी भी न्यूमेरिकल जब आएगा तो जिसका वैल्यू निकालना है इसमें मत सॉल्व करो, क्योंकि ये दोनों तरफ दिखेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे कहीं और दिखाओ, तो ये उसमें इन्वॉल्व हो सकता है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा बुद्धि लगाता हूं, आप इसमें सॉल्व करो या इसमें, आंसर सेम रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, इसमें निकालता हूं, है ना, इसमें। अच्छा ये दूरी हमारा पहले कितना था, ध्यान है ना सबको, ये एल बाई थ्री था, ये कितनी थी 12/3, ये सब मैंने निकाल दिया, ये सब है ना। अच्छा तो आप देखो, आप इस पे निकालो नेट फोर्स, अगर आप इस पे नेट फोर्स निकालोगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखो। तो अगर आप इस पे नेट फोर्स निकालोगे तो देखो, ये भाई साहब इसको अपनी तरफ गले लगा रहे हैं, है ना, तो ये, और एक भाई साहब इसको अपने से दूर भगा रहे हैं, ये, ठीक है, दोनों के कारण नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो इसके कारण अगर लिखोगे तो इसके कारण, तो देखो ये वाली वैल्यू कितनी लिखोगे आप, के, ठीक है, देखो साइन का यूज कर चुके हैं इसलिए टेंशन नहीं लेना है, क्यू 4q और by 12/3 का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे ना, ठीक है। और जब आप इस पे ये वाला फोर्स निकालोगे तो क्या लिखेंगे, देखो k q ये लगा रहे हैं इस पे, ध्यान से देखो, ये है ना, ये ठीक है, ये 4q by डिस्टेंस में क्या लिखेंगे बोलो, l by 3 मार के घटा उड़ा देंगे, यहां से ये दूरी चार्ज, दो चार्ज के बीच की दूरी तो कितनी है l स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो सॉल्व करोगे तो देखो कितना आता है ये वैल्यू, ठीक है, ये सवाल अच्छा है इसलिए मैं थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूं, ऐसे कुछ है नहीं, के क्यू कैंसिल, है ना, अरे फोर भी चल बस है भाई, सोचो कहे भाई, दोनों तरफ ना है, तो देखो ये क्यू, अब देखो ये क्यू हमारा आ गया, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 4l² / 9, है ना, नीचे भी l² भी चल बसा, तो दिस इज 4/9, है ना, और सॉरी एक कैंसिलेशन में गलती हो गई है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एक क्यू रह ही जाएगा, है ना, एक क्यू रह जाएगा, ठीक है, तो 1 4/9 क्यू, ठीक है। तो देखो, अच्छा अगर आपने इसको जब सॉल्व किया, देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप खुद से भी कर लेना, ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये क्यू की वैल्यू कितनी है, 4/9, ये मैग्नीट्यूड है, माइनस है तो पहले क्लियर हो चुका था, तो इसकी वैल्यू आएगी 4-4q/9, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सवाल आप अच्छे से समझ गए हो, जिसको डाउट है तो एक और अगला सवाल देखो, और वो सवाल भी जेईई मेंस आ चुका है, तो उस सवाल को भी देखोगे तो शायद कंसेप्ट और क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल दिखाता हूं, अगला सवाल क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, चलिए देखते हैं, देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, मान लीजिए कि एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में आइडेंटिकल चार्जेस है, ठीक है, स्क्वायर साइड है जिसके एंड में कॉर्नर में आइडेंटिकल चार्जेस हैं क्यू क्यू क्यू, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको कोई पूछेगा कि एक हमें एक फिफ्थ चार्ज रखना है, फिर से सुने, तो उस चार्ज को कहां पे रखेंगे कि नेट फोर्स जीरो होगा, अगर आप ढक्कन नहीं हो तो आप समझ गए वो जगह कहां है, वो जगह है सेंटर, ये जगह है ना, ये वो जगह है जहां पे नेट फोर्स जीरो होगा। अब आप कुछ लोग सोचोगे सर क्यों, अरे मूर्खो अगर यहाँ पे कोई भी चार्ज रखो तो ये इधर से धक्का लगाएगा, ये इधर से, ये कैंसिल, ये इधर से, ये इधर से, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज रखोगे तो नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज। अच्छा आप जब फिफ्थ चार्ज रख लो, तो मेरा सवाल क्या है ध्यान से सुनो, मैं एक फिफ्थ चार्ज रखना चाहता हूँ, और वो फिफ्थ चार्ज कहाँ रखेंगे और कितने वैल्यू का रखेंगे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, और ये सब फिक्स नहीं है, क्यों 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 फिक्स नहीं है, याद रखेंगे, तो पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब नेट फोर्स ऑन दीज फाइव चार्जेस शुड बी जीरो। तो एक बात तो है, ये सिमेट्रिकल है, तो कोई एक इसमें चेक कर लो और सेंटर। तो देखो पहला बात ये समझ लो कि अगर आपने ये पॉइंट को सेलेक्ट किया तो एक बात तो है कि आप पे कोई भी चार्ज रखो, प्लस रखो या माइनस रखो, ये तो बेटा इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। अगर आप प्लस रखते हो तो ये धक्का लगाएगा इधर, ये धक्का लगाएगा इधर, ये धक्का लगाएगा इधर, और ये धक्का लगाएगा इधर, ये कैंसिल हो जाएगा। और आप माइनस रखते हो, तो ये इधर से
की तरफ पे आर जेड आएगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, अभी जीरो। तो कुछ भी चार्ज लोगे, अगर लोकेशन आपने सही लिया तो ये यहाँ पे कुछ भी चार्ज लोगे उसका नेटवर्क तो जीरो होगा, ये तो कोई शक नहीं। लेकिन एक समस्या है, अब आपको इसको इसमें किसी एक को चेक करो, मान लो कि मैं इस पे चेक करता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा अगला टारगेट ये है कि इस पे भी नेटवर्क जीरो होना चाहिए, है ना। तो पहले ये देखो कि क्या होगा। तो अच्छा एक बात बताओ, तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज का सिलेक्शन इस तरह से रखना होगा कि नेट फोर्सेस में जीरो है। तो मुझे ये देखना है कि कैसे रखेंगे सिलेक्शन, ये देखते हैं। तो पहले देखो, ये रखने से पहले देखो, ये इसको इधर की तरफ बता रहा था, बोल रहा था भाई तू दुर्भाग, ये भी बोल रहा था भाई तू दुर्भाग, और ये बोल रहा था भाई तू और दुर्दुराजा, है ना। कि तीनों मिलकर नेट इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे, याद करो थोड़ी देर पहले हमने बताया था, ये सवाल ध्यान से देखो कि तीनों मिलकर इधर की तरफ धक्का लगाएंगे, तो नेट रिजल्टेंट जो आएगा तीनों का, ये इन तीनों का नेट रिजल्टेंट इधर आएगा, है ना। तो तीनों मिलकर इसको इधर की तरफ धक्का लगा रहे, तो मतलब इसमें एक फोर्स इधर लग रहा है। तो मतलब इस चार्ज की क्या खासियत होनी चाहिए, अगर तीन मिलकर इसको इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो इसको अगर मतलब लगाना है कि इसे फोर्स किधर लगाना होगा, अपनी तरफ, है ना। तो मतलब इस चार्ज की यह खासियत होनी चाहिए कि इधर की तरफ फोर्स लगाए, यानी ये अट्रैक्ट करें। अच्छा बताओ ये पॉजिटिव चार्ज को कब अट्रैक्ट कर सकता है, जब ये निगेटिव हो, मतलब सेंटर में अगर हम लोगों ने निगेटिव चार्ज रखा और अच्छे वैल्यू का रख लिया, सिलेक्टेड वैल्यू का रख लिया, तो इसे हमें दो फायदा मिलेगा, एक तो सेंटर वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम में रहेगा और इसके कॉर्नर वाले चार्ज भी इक्विलिब्रियम में रहेंगे, उनको फिक्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सेंटर में हमने पॉजिटिव चार्ज रखा, ठीक है, हमने अगर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज रखा तो क्या होगा, नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज तो जीरो होगा, लेकिन बाकी लोग इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे, ठीक है। सब अगर मान लो ये पॉजिटिव रखते तो क्या होता है, ये चार्ज, ये तीनों मिलकर धक्का लगा रहे थे, ये भी बोलता है बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेता हूँ, है ना, अभी तो लॉकडाउन में गंगा का पानी भी साफ हो गया। सोचो नेचर के साथ हम लोगों ने क्या किया है, तो ये सब तो होना ही है। लॉकडाउन हम लोग को अब होना पड़ रहा है, हम लोग पहले जानवरों को लॉकडाउन में रखते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब हम लोग इस पूरे गेम को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो सोचिए अब हम लोग ये निकालेंगे, तो पहले इसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए, तो नेट फोर्स, अच्छा ये तीन इस चार्ज पे कुल टोटल ध्यान से देखोगे तो ये इन तीनों का रिजल्टेंट लग रहा है ये, तो हमें ये फोर्स और एक फोर्स इधर लग रहा है ना, तो हमें क्या करना है, इन दोनों फोर्सेस को जीरो करना। अच्छा कुछ लोग इसे यहीं पे सॉल्व कर देते, अरे मुर्खो यहाँ पे करोगे तो अभी जो पहले बताया था वो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे करेंगे हम लोग सब, इस पे इक्विलिब्रियम निकालो, ये तो इक्विलिब्रियम है ही, इस पे निकालो। तो मतलब सर वैल्यू इसका निकालना, निकाल इस पे रहे, अरे बेकूफ अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, इस पे जब निकालोगे तो क्या होगा, एक साइड ध्यान से सुनो, एक साइड ये सब टर्म्स रहेंगे और दूसरे साइड एक रहेगा, लेकिन अगर आप यहीं पे निकालते तो ये बेटा मुंह उठा के दोनों तरफ दिखता और कैंसिल हो जाता है कि नहीं। तो थोड़ा सा फिर से देखो, चलिए तो मैं समझा दिया हूं, अब आगे बढ़ते इसका रिजल्ट निकालते हैं। देखो इसका रिजल्ट निकाल देता हूं मैं फटाफट, तो देखो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना, ये वैल्यू भी हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, कौन वाली, ये ठीक है रिजल्टेंट नहीं, तो ये वैल्यू हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई, देखो ये दूरी कितनी थी, रूट टू ए, अगर ये सब ए लिया हुआ था तो ये दूरी कितनी थी, रूट टू ए, तो रूट टू ए का होल स्क्वायर यानी टू ए स्क्वायर। अब इसका रिजल्टेंट निकालो, तो अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे इन दोनों का, तो इन दोनों का भी इधर आएगा, इन दोनों का आएगा रूट टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। अब देखो अब इन दोनों, ये दोनों फोर्सेज अब एड हो गए, है कि नहीं, तो ये फोर्स हो गया। अच्छा तो यानी ये तीनों मिलकर जितना फोर्स इधर लगा रहा है तो इस बेचारे को भी उतना ही फोर्स लगाना होगा। तो अब मान लो कि ये चार्ज है क्यों माइनस है, वो तो हम लोग समझ गए, तो ये कितना फोर्स लगेगा, तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा कि ये क्यू, ठीक है, माइनस इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्शन ऑलरेडी अज्यूम कर लिया है, तो ये क्यू बाई, है ना, यही मुझे निकालना है, बट सुपर इधर वैल्यू क्यू, है ना, तो बाई। अब क्या लिखेंगे बोलो, तो डिस्टेंस, अच्छा ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी बोलो, ये टोटल डिस्टेंस थी रूट टू ए, तो ये डिस्टेंस होगी उसकी आधा, तो a बाई रूट टू, तो यहां पे क्या लिखेंगे, a बाई रूट टू का होल स्क्वायर, है ना, यही हम लोग लिखेंगे a बाई रूट टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दो, जो भी आएगा यही इसका आंसर होगा, तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है, ये सवाल आया हुआ सवाल है इसलिए मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या लिखेंगे, के क्यू क्यू ए स्क्वायर और ये रूट टू ऊपर जाके टू, ठीक है, मैथमेटिकल एरर आप खुद जिम्मेदार रहोगे उसके लिए, मैं कंसेप्चुअल बता रहा हूँ, ठीक है, तो मैथमेटिक्स में इधर उधर हो सकता है। अच्छा अब इधर से के क्यू स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, इन दोनों का बात कर रहे हैं हम लोग, इसका तो ये वाला हो गया, ये वाली वैल्यू यहाँ आ गया और ये दोनों वैल्यू इधर, तो के क्यू स्क्वायर बाय कॉमन, तो यहाँ हो गया वन बाई टू प्लस रूट टू, है ना, यही आ गया हमारा। अब आप इसको सॉल्व करो, तो देखो क्या क्या जाएगा, के चल बसा,
क्यू क्यू तीन लेने चला गया, ए स्क्वायर भी चला गया। तो देखो क्यू की वैल्यू कितनी है, तो क्यू की वैल्यू आई क्यू, ठीक है, और ये इधर चला जा चुका है। तो आप समझ ही गए होंगे, वन ये वन बाई टू, तो वन बाई फोर प्लस, ठीक है, वन बाई रूट टू। अब आप इसको जैसे सॉल्व करना चाहो कर लो, तो दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ क्यू। अच्छा एक बात बताओ, तो ये एक तो मैग्नीट्यूड आ गया और साइन भी इसका माइनस आएगा, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर वैल्यू लिखोगे तो माइनस क्यू, और आप जो करना चाहो, अगर टू बाहर रहता, टू बाहर रहता तो ये लिख सकते थे आप रूट टू प्लस वन बाई टू, है ना। तो ये हमारा चार्ज का वैल्यू है। अब देखो तो क्या खास बात हुआ, अगर आपने ये चार्ज रखा माइनस, माइनस रखा तो आप समझ गए होगे। तो फिर से समझो, प्लस रखने से क्या होता है, सिर्फ वो चार्ज इक्विलिब्रियम में होता, लेकिन ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होता। लेकिन अगर आपने माइनस लिया और सही साइन का ले लिया तो सब लोग खुशहाल है, किसी को कोई टेंशन नहीं है, जिस तरह आपको भी कोई टेंशन नहीं। चलिए वेरी गुड। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और एसएचएम पर बेस्ड भी कुछ न्यूमेरिकल्स है, और अभी मैं आपको जो है एक दो और वीडियोस लाऊंगा न्यूमेरिकल बेस्ड पर। आपको किसी भी तरह का चिंता नहीं करना है, ठीक है। हम लोग जैसा पहले ही बोले कि थ्योरी और न्यूमेरिकल सबको एकदम धासु तरीके से कवर करेंगे, और आप देख भी रहोगे कि डे बाई डे हम मतलब प्रेजेंटेशन स्टाइल में इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग और भी देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एसएचएम का है। पहले मैं बता रहा हूँ एसएचएम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हो। और इसका एक पार्ट हम लोग डिटेल्ड वर्जन में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है किसी को, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है बिल्कुल चिंता नहीं। कुनाम सभा पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूं, तो आपको एकदम सिर्फ फेथ रखना है, और मैं जब पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा दूंगा देन आफ्टर आपको देखना है कि कितने न्यूमेरिकल आपसे नहीं बन रहे या बन रहे, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक चार्ज है क्यू, है ना, और एक और चार्ज है क्यू, ये दोनों चार्जेस फिक्स है हमारे, ये दोनों चार्जेस क्या है फिक्स है, और इन दोनों चार्जेस की बीच की दूरी आप कुछ भी ले सकते हो, लेट दैट बी टू ए, ए भी ले सकते थे लेकिन मैंने ए इसलिए नहीं लिया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ये दोनों चार्जेस फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स चार्जेस है और ये भी फिक्स है, फिर से ध्यान से देखें ये दोनों चार्जेस क्या है फिक्स है। और अगला सवाल आप ध्यान से देखो, आपको ये बात तो तय है कि अगर किसी ने पूछा कि एक थर्ड चार्ज को मैं कहाँ रखूंगा कि वो चार्ज इक्विलिब्रियम में है ना, तो आप एक बात तो समझ गए होगे कि वो थर्ड चार्ज का लोकेशन कहाँ होगा। तो इतना समझाने के बाद आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि वो लोकेशन मिड में कहीं बीचों बीच होगा, क्योंकि ये चार्ज और ये चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है तो बीचों बीच कहीं होना चाहिए। तो ये लोकेशन जो होगा ए यहां से होगा और ए यहां से होगा, है ना। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगा। सो दिस डिस्टेंस विल बी ए एंड दिस डिस्टेंस विल बी ए। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, अगर आपने यहाँ पे कोई चार्ज रखा, ध्यान से सुनो, अगर आपने यहाँ पे कोई चार्ज रखा तो उस चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, है ना, ये तो फैक्ट है। यहाँ पे अगर आपने कोई चार्ज रखा तो नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज शुड बी जीरो, अगर प्लस है तो दोनों मिलकर धक्का लगाएंगे, ये इधर से धक्का लगाएगा वो इधर से, तो भी कैंसिल, अगर ये माइनस है तो इधर अट्रैक्ट करेगा ये इधर अट्रैक्ट करेगा तो भी कैंसिल, है ना। तो चार्ज प्लस हो या माइनस हो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन 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 आपको पता प्लस चार्ज रखने से यहाँ एक अलग टाइप का केस बनेगा और माइनस चार्ज रखने से यहाँ एक अलग टाइप का केस बनेगा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर आपको कोई पूछेगा कि मुझे इस यहाँ पे कौन सा चार्ज रखना चाहिए कि मुझे स्टेबल इक्विलिब्रियम मिले, ध्यान से सुनो, मुझे कौन सा इक्विलिब्रियम मिले स्टेबल। अब यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम भी दो अलोंग एक्सिस डिफाइंड है, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर मैं इस लाइन में एसएचएम परफॉर्म करना चाहता हूं अलोंग एक्सिस, मैं किधर परफॉर्म करना चाहता हूं अलोंग एक्सिस, फिर से ध्यान से सुने, मैं किधर परफॉर्म करना चाहता हूं अलोंग एक्सिस, ठीक है। तो अगर आप अलोंग एक्सिस एसएचएम परफॉर्म करवाना चाहते हैं, अलोंग एक्सिस पार्टिकल को मूव करवाना चाहते हैं, और अलोंग वाई एक्सिस वाला वीडियोस हम लोग अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अलोंग वाई एक्सिस वाला जो कांसेप्ट है वो अलोंग वाई एक्सिस का एसएचएम हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो अभी सोचो अगर आप एक्स एक्सिस में एसएचएम परफॉर्म कराना चाहते हैं कि आप कौन सा चार्ज रखेंगे, प्लस या माइनस, सोचो सोचो सोच लिया, वेरी गुड, कुछ लोगों ने बोला हाँ सर समझ में आ गया। देखो अगर आप सोचो यहाँ पे आपने, यहाँ से सुना, अगर आपने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा तो क्या होगा, ठीक है। अगर आपने प्लस क्यू चार्ज रखा तो देखते हैं ये एसएचएम रहेगा कि नहीं। तो केस वन, अगर आप प्लस क्यू चार्ज लेते हो, केस वन में आपने कौन सा चार्ज लिया, कोई भी प्लस क्यू, कुछ भी चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, और वो प्लस क्यू चार्ज लिए तो क्या होगा देखते हैं, है ना। तो प्लस क्यू चार्ज लोगे तो चेक करेंगे हम लोग कि एसएचएम में रहेगा कि नहीं। तो देखो अगर आप प्लस क्यू चार्ज लिए तो नेट फोर्स तो यहाँ पे जीरो, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो इधर कहीं एक्स, इसके मेन पोजीशन से
इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो इधर कहीं x, मिड पोजीशन वो जगह होता है जहां नेट को जीरो होता है ना, तो इसको इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया x। अच्छा बताओ अगर मैंने इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया x, तो बताओ ये चार्ज किसके नजदीक हो गया है ना। तो आप ध्यान से देखो ये चार्ज इसके नजदीक हो गया है कि नहीं। तो अगर ये चार्ज जी देखो फिर से समझो, इसको मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इधर x, तो ये चार्ज किसके नजदीक हो गया है, इसके नजदीक हो गया है ना। तो अगर ये चार्ज इसके नजदीक हो गया है तो बोलो ये चार्ज इसको क्या करेगा, ये इसको इधर की तरफ धक्का लगाएगा है कि नहीं। और अगर ये चार्ज इसको इधर की तरफ धक्का लगाएगा तो बताओ ये चार्ज, ध्यान से देखो ये चार्ज, फिर से समझो कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, फिर से समझते हैं ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास एक चार्ज है क्यू और एक चार्ज है क्यू, इसको मैंने थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया ड्र, अगर थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया ड्र, तो बताओ ये भी इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये भी इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, किसका फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि ये इसके नजदीक आ चुका है इसलिए ये ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट इधर है और नेट फोर्स इधर की तरफ है, ये ज्यादा लगा रहा है ना, है ना, तो नेट फोर्स इधर की तरफ है। तो बताओ अगर डिस्प्लेसमेंट इधर और नेट फोर्स इधर है तो बताओ ये चार्ज वापस क्या होगा, इधर की तरफ मूव कर जाएगा, तो इसमें इधर की तरफ फोर्स लगेगा कि नहीं, है ना, नेट फोर्स इधर लगेगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब ये चार्ज वापस मीन पोजिशन की तरफ जाएगा, है ना। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं, है ना, वेरी गुड। लेकिन सोचो अगर आपने इसको इधर डिस्प्लेस किया होता तो क्या होता, देखते हैं। अगर आप इसको इधर डिस्प्लेस करते इसके तो इधर डिस्प्लेस करते तो इसके नजदीक आ जाता, और अगर ये इसके नजदीक आ जाता तो ये ज्यादा फोर्स लगाता और ये कम फोर्स लगाता, तो बोलो क्या होता, इस पे दोनों में फोर्स लगाए लेकिन इसका फोर्स कमजोर हो गया और इसका फोर्स ताकतवर हो गया क्योंकि इसके नजदीक है, तो एक्स इसका कम हो गया, इसका डिस्टेंस कम हो गया, तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा और ज्यादा फोर्स लगाएगा तो ये फिर वापस इसको लगेगा, बोलेगा जा अपने मेन पोजीशन पे। मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से सुनो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अगर आपने इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स इधर लगेगा, और अगर आपने इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स इधर लगेगा, है कि नहीं। तो देखो ये इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन जा रहा है कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दोगे इधर की तरफ तो ये इसको धक्का मारेगा और ये वापस, अच्छा जब धक्का मारेगा तो ये इधर की तरफ आएगा, आएगा और यहां आएगा तो नेट फोर्स जीरो, लेकिन इसके पास चुकी वेलोसिटी ओवरशूट कर जाएगा और ये वापस इसके अबाउट क्या करेगा, एसएचएम करेगा। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर ठीक है पॉजिटिव चार्ज पे अराउंड एसएचएम कर लिया, लेकिन क्या निगेटिव चार्ज कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो एक केस और ले लेते हैं निगेटिव चार्ज है ना। तो अगर आप इसी को आप दूसरा पार्ट देखो, अगर आपने इसको निगेटिव चार्ज लिया तो बोलो क्या होगा, ठीक है निगेटिव चार्ज ले लिया। अच्छा निगेटिव चार्ज में क्या होता है, ये भी इसको गले लगाएगा, ये भी गले लगाएगा है कि नहीं। अच्छा सोचो इसको मैंने थोड़ा सा इधर खिसका दिया, ठीक है मैंने क्या किया इसको थोड़ा सा इधर खिसका दिया, इधर खिसका दिया। अच्छा बताओ अगर मैंने इसको थोड़ा सा इधर खिसका है तो इस नेगेटिव चार्ज पे अब दो फोर्स लग रहे हैं। देखो ध्यान से देखो मैंने इसके मेन पोजीशन से इसको थोड़ा इधर खिसकाया तो इस नेगेटिव चार्ज में अब दो फोर्स लग रहे हैं, यहां पे अब दो फोर्स लग रहे हैं। अच्छा आप बताइए लॉजिक से बताइए कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्गर है, तो आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा चूंकि इसके नजदीक है तो ये अपनी तरफ और ज्यादा फोर्स लगाएगा है ना, ये फोर्स आपका स्ट्रॉन्गर है जबकि इससे तो ये थोड़ा सा दूर हो चुका है तो ये फोर्स थोड़ा सा कमजोर है। बताओ नेट फोर्स अभी भी किधर लग रहा है, ध्यान से देखिए इसको अटैक ये कर रहा था, इसको अटैक ये कर रहा था लेकिन नेट फोर्स इधर लग रहा था है ना। तो ध्यान से देखिए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और नेट फोर्स का डायरेक्शन सेम है कि नहीं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और नेट फोर्स का डायरेक्शन सेम है तो ये बताइए कभी मेन पोजीशन में रहेगा, बिल्कुल नहीं, ये कभी भी मेन पोजीशन में नहीं रहेगा, इसको थोड़ा सा भी इधर डिस्प्लेस करेंगे ये परमानेंटली डिस्प्लेस हो जाएगा कि नहीं। अच्छा इधर हो गया परमानेंटली डिस्प्लेस, क्या इधर भी वैसे होगा, बिल्कुल। अगर आप इस चार्ज को इधर की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो अब ये ज्यादा फोर्स इधर लगाएगा और इसका कम फोर्स इधर लगाएगा तो परमानेंटली डिस्प्लेस हो जाएगा। तो अगर आपने इस चार्ज को माइनस में लिया हुआ है माइनस की, तो ध्यान से देखिए आपने जिधर डिस्प्लेस किया उधर की तरफ भी फोर्स लग रहा है, मतलब ये वापस मेन पोजीशन में नहीं आ सकता है कि नहीं। इधर की तरफ डिस्प्लेस किए तो फोर्स उधर, अगर इधर की तरफ डिस्प्लेस किए तो फोर्स इधर, तो ये कभी भी मेन पोजीशन में वापस नहीं आ सकता। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे आपको अलोंग एक्स एक्सिस इसको एसएचएम करवाना है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखना होगा, ठीक है ध्यान से सुनो, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग एसएचएम करवाना है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखना होगा तभी ये इसके अबाउट एसएचएम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलोंग एक्स एक्सिस अगर आपको एसएचएम करवाना है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखना होगा, ठीक है ये एकदम क्लियर हो गया है ना। तो ये बात मैं समझा दिया हूं, अब हम लोग अच्छा क्या अलोंग एक्स एक्सिस, अगर वाई एक्सिस होता तो यही गेम पलट जाता, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो चलो इतना तो हम समझ गए कि अगर एक्स एक्सिस के अलोंग इसको एसएचएम करवाना है तो मुझे क्या करना होगा, ठीक है अगर एक्स एक्सिस के अलोंग इसको एसएचएम करवाना है तो मुझे वहां पे पॉजिटिव चार्ज रखना होगा है ना। तो ये बात तो क्लियर हो गया, तो ठीक है ये हमारा क्यू था, ये क्यू था, यहाँ पे चार्ज क्यू था है ना, ये दूरी हमारी ए थी, ये दूरी भी हमारी ए थी, ठीक है और ये इसका मीन पोजीशन है। अच्छा मुझे क्या बताना है, तो मुझे बताना है कि अगर मान लो एक चार्ज है क्यू और इस चार्ज का मास है एम,
तो इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके अगर छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, ये कैसा चम परफॉर्म करेगा, गिच 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 गिच, बताना है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट गिच गिच, है ना, ये गिच 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 जो कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मुझे ये निकालना है। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखो, तो मैं यही आपको बता रहा हूं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, देखो। ठीक है, तो चलो काम करते हैं। याद है आपको, जब किसी भी चीज का फ्रीक्वेंसी, किसी भी चीज का संगीत सुनाना है तो उसको थोड़ा सा छेड़ दो, है ना, तो वो आपको सुनाने लगेगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस। तो जब मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा अलोंग एक्स एक्सिस, देन व्हाट विल हैपन, चलो देखते हैं। अगर मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये वाला चार्ज इसके नजदीक आ चुका है। अब इस चार्ज में दो फोर्स लगेंगे, है ना, क्योंकि ये इसके थोड़ा सा नजदीक है, इसके कारण इसमें थोड़ा सा ज्यादा फोर्स इससे लगेगा। तो दोनों का नेट फोर्स निकाल दो। तो देखो, ये मान लो ये जो है, तो इधर की तरफ, ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, और ये इससे थोड़ा सा ज्यादा दूर चला जाएगा, इसलिए ये थोड़ा सा छोटा होगा। अब देखते हैं नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आती है ना, क्योंकि आप देखे होंगे कि जब भी आपको SHM का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ओमेगा निकालना है, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, किसी भी चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हुए एक्स, और आपको ए और एक्स के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ता है ना, याद करो। और ए और एक्स के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, ओमेगा स्क्वायर, है ना, याद है, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस साइन समझ गए होगे, क्योंकि एक्स और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं माइनस साइन को फिलहाल थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप यहां पे जरा ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। ठीक है, तो देखो अब बताओ ये फोर्स की वैल्यू कितनी लिखेंगे, तो के क्यू क्यू, है ना, और ये दूरी थी ए, लेकिन ये एक्स इधर खिसक चुका है, तो ये दूरी कितनी हो गई, ए माइनस एक्स, तो के क्यू क्यू बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये इधर की तरफ फोर्स लगाया। अच्छा अच्छा भाई, ये यहां से कितनी दूरी पे है, तो ये तो था ए और ये दूरी यहां से था x, तो टोटल ये दूरी कितनी हो गई, a प्लस एक्स, तो ये इधर की तरफ फोर्स कितना लगा है, k q q by a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ऑब्वियस बात। तो देखो हमने नेट डिस्प्लेसमेंट किया इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, लेकिन नेट फोर्स आ रहा है इधर, है ना, तो देखो ये एक तरह का फोर्स वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ध्यान से देखो। ठीक है, तो अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो आपको नेट फोर्स इज इक्वल टू, ठीक है, अगर आप लिखना चाहोगे तो नेट फोर्स, है ना, इज इक्वल टू ये फोर्स माइनस ये फोर्स, तो कॉमन बाहर कर दो, के क्यू क्यू कॉमन आ गया। अच्छा इसको करोगे, इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूं, तो देखो 1 बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक और चीज ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे माइनस साइन को इग्नोर कर रहा हूं, मैं ये मान लिया हूं कि एक्स का डायरेक्शन देखिए प्लस है, तो फोर्स का डायरेक्शन माइनस है, उतना फॉर्मुलेटिक नहीं होना है। ठीक है, फिजिक्स मतलब क्या है, ठीक है, कंसेप्ट, तो इतना फॉर्मुलेटिक नहीं होना, आपको कंसेप्ट क्लियर है, बस आगे बढ़िए। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे फोर्स की जगह मैं एम ए लिखूंगा। आप कुछ लोग बोलेंगे सर आप एम ए के चक्कर में क्यों पड़े, अभी से ही मैं वो रिश्ता कायम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो फोर्स, अच्छा यार नहीं, चलो आपको बोलोगे सर अभी से ही थोड़ी देर बात करेंगे, तो बिल्कुल ठीक है, हाँ तो चलो ये फोर्स हो गया। अच्छा अब आप इसको सॉल्व करो, तो के क्यू क्यू, अब आप इसको सॉल्व करो, तो देखो ये आएगा, तो ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, यहाँ आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा फोर ए एक्स। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है कैलकुलेशन में, वो सब चेक कर लेंगे आप, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, तो ये हो गया आपका मैथमेटिकल पार्ट। अच्छा आप ध्यान से देखो, अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो देखो फोर्स और एक्स के बीच में रिश्ता है, लेकिन एक सेकेंड, यहां पर एक बात तो तय है, ध्यान से सुनो, एक बात तो तय है कि अगर आपने इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस किया, इसके मीन पोजीशन से इधर डिस्प्लेस किया, तो इधर आएगा, इधर की तरफ डिस्प्लेस किया इधर आएगा, लेकिन एक चीज देखो ये ऑसिलेशन कर रहा है, ध्यान से देखो ये ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, मतलब ऑसिलेटरी मोशन किसको कहते हैं, कि अगर किसी चीज को आप पॉजिटिव एक्स में डिस्प्लेस करो तो फोर्स नेगेटिव में लग रहा है, नेगेटिव एक्स में डिस्प्लेस करो फोर्स पॉजिटिव एक्स में लग रहा है, ये ऑसिलेटरी मोशन है। लेकिन ऑसिलेटरी और SHM में अंतर है, है ना, ऑसिलेटरी मोशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ डायरेक्शन काफी है, लेकिन SHM के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स और एक्स के बीच में सीधा रिश्ता निकालना पड़ता है। तो बताओ ये सीधा रिश्ता तो दे नहीं रहा है, यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन फोर्स एंड एक्स, एक्स ऊपर है नीचे है। तो आप ध्यान से देखो, अगर आपको इसको SHM में कन्वर्ट करना है, इसको SHM बनाना है, तो SHM के लिए ध्यान से देखो एक्स की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो आप देखो अगर एक्स के बीच में रिश्ता परमाना है तो इसको गायब कर देना होगा, अगर ये गायब हुआ, ये इग्नोर हो गया, तो फोर्स और एक्स के बीच में सीधा रिश्ता हो सकता है। क्या हो सकता है, एक्स और ए के बीच में सीधा रिश्ता कायम हो सकता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, तो देखो एक्स को आपको क्या करो, अगर 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 मैं मान लेता हूं कि एक्स की वैल्यू मच मच स्मॉलर देन ए है, मैंने इसको थोड़ा सा एकदम थोड़ी सी, अगर मैंने इस एक्स को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है तो बता एक्स इज मच मच लेस देन ए है, तो अगर एक्स की वैल्यू ए से बहुत छोटी है तो एक्स छोटी है तो स्क्वायर ऑफ एक्स विल बिकम मोर छोटी, है ना, एक्स अगर छोटी है तो स्क्वायर ऑफ एक्स विल बिकम मोर मोर छोटी,
एंड मोर छोटी कैनॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद बड़ी, है ना, और कैनॉट भी नहीं कर सकते लेकिन कोई असर नहीं आए। तो एडेड और सब्ट्रैक्शन की बात की, देखो छोटा नंबर जब किसी बड़े नंबर के साथ एड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा वो उस नंबर में कोई चेंजेस नहीं ला सकता, लेकिन याद रखना छोटा नंबर बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो बेटा उस बड़े नंबर को भूल चढ़ा सकता है। जैसे जीरो को देख लो ना, जीरो बाहर से भी टकरा जाएगा तो उसको भी जीरो बना के छोड़ देगा, है कि नहीं, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप इसको एक्स को बहुत छोटा ले लिए, इस चार्ज को मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो देखो ये फोर्स और एक्स के बीच का रिश्ता सिंपल बन जाता है और इसी को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला रिश्ता कहते हैं, है कि नहीं, हाँ ठीक है। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गया, इसको थोड़ा समय मिटाता हूं। तो देखो अगर आपने एक्स को बहुत छोटा लिया तो स्क्वायर ऑफ एक्स विल बिकम मोर छोटा, तो अगर स्क्वायर ऑफ एक्स विल बिकम मोर छोटा तो मोर छोटा कैनॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद बड़ा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसको यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को इग्नोर करूंगा और फोर्स की जगह एमए लिख दूंगा माइनस साइन, तो आप समझ ही रहे हो क्यों आया है। तो ध्यान से देखो के क्यू क्यू यहाँ पे क्या कहलाया है, फोर ए एक्स बाई, अच्छा बताओ ए स्क्वायर एक्स, अच्छा कुछ लोगों ने सर यहाँ पे एक्स को क्यों नहीं इग्नोर किया, अरे गधेड़ो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में बड़े नंबर छोटे नंबर में कोई छोटे नंबर को कभी भी इग्नोर नहीं करते क्योंकि छोटा नंबर भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। देखो छोटा नंबर तो बड़ा रोल प्ले करता है सर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन एडिशन में कोई बात नहीं। तो आप यहां पे इसको इग्नोर कर सकते हो, है ना। तो अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो देखो ये क्या है, a स्क्वायर x को इग्नोर उसका स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर और स्क्वायर, तो यहां डायरेक्ट मैं लिख दूं a का पावर 4, किसी को कोई दिक्कत, कोई गाली दे रहा है क्या मुझे, यहां तक आ रहा है, हां हार्टबीट मेरा बढ़ रहा है, मतलब कोई गाली दे रहा है, ठीक है। तो देखो ये हमारा a, अच्छा कंफ्यूज नहीं होना, ये एक्सेलरेशन है, पब्लिक हो a एक्सेलरेशन, अच्छा ध्यान से देखो ये q q बाई k को क्या लिख सकते थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये m नीचे आ गया, है ना, और इधर देखो ये 4 ये a q बन चुका है, तो 4x बाई a q, देखो तो a और x के बीच में रिश्ता पड़ गया, क्रमा दिए हम लोग, ये 4 और ये 4 भी चल बसा, तो देखो a और x के बीच में रिश्ता क्या बना, तो ध्यान से देखो तो a डैश इज इक्वल टू q q, ध्यान से देखो q q बाई, ठीक है, पाई m एप्सिलॉन नॉट a क्यूब, है ना, इंटू x, ध्यान से देखो। तो ये हमारा a डैश और x के बीच का रिश्ता है ना, तो a और x के बीच में इस रिश्ते में जो भी हमें मिलता है, ठीक है, इस रिश्ते में मुझे जो भी पैकेज के तौर पे मिला तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, a और x के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, ओमेगा स्क्वायर कहलाता है सच्चे में, तो यही हमारा ओमेगा स्क्वायर है। अब आप बाकी आगे सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं, तो ये हमारा ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू आप यहां से निकाल लेना फलाना 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 और इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ठीक है। तो मैंने आपको क्या समझाया, ध्यान से सुने पिछले बार, अच्छे से समझ ले शॉर्ट में। तो देखो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखा, अगर इधर डिस्प्लेस किया तो ये ज्यादा फोर्स लगा रहा था, इधर डिस्प्लेस किया ये ज्यादा फोर्स लगा, मतलब ये एसएचएम कर रहा था, लेकिन ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, है ना, क्यों पॉजिटिव होना चाहिए था मैंने डिस्कस कर दिया। अच्छा उसके बाद मैंने जब इस फोर्स को निकाला, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एक्स करके देखा, ये आया, अच्छा ये रिश्ता तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये एसएचएम नहीं है, किसी हर जनरल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए एसएचएम नहीं, ऑसिलेटरी है लेकिन एसएचएम नहीं है, क्योंकि फोर्स और एक्स के बीच में रिश्ता नहीं है। एक और बात ध्यान देंगे, यहाँ पे माइनस साइन मैं इग्नोर करके चल रहा हूँ, मुझे कंसेप्ट पर फोकस करना था, साइन वाइन के चक्कर में ना पड़े, कंसेप्चुअली क्लियर है, ठीक है, माइनस साइन आपको बहुत मन करता है लगाते चले जाए, ठीक है। अच्छा एक और चीज हो गया क्लियर, उसके बाद आगे देखिए, तो मैं इस रिश्ते को एसएचएम में बताना चाहता हूं, एसएचएम का मतलब क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वैसे मोशन जिसमें सिंपल फ्रीक्वेंसी, तो सिंपल फ्रीक्वेंसी के लिए फोर्स और एक्स के बीच में रिश्ता पर आना चाहिए, जो कि मैं एसएचएम में बता चुका हूं आपको। तो फोर्स और एक्स के बीच में सीधा रिश्ता लाने के लिए क्या करना था, एक्स को छोटा अगर मानते हैं, ध्यान से देखो एक्स को छोटा मानेंगे तो ये पार्ट गायब हो सकता है, ये पार्ट, तो फोर्स और एक्स के बीच में सीधा रिश्ता आ जाएगा। तो देखो अगर आप देखो एक बात समझना, अगर इस पे दो तरह के सवाल आ सकते हैं, अगर इस x को थोड़ा बड़ा डिस्प्लेस किए तो ये क्या है, ऑसिलेटरी, लेकिन अगर x को एकदम छोटा डिस्प्लेस किए एक एक कंपैरिजन में थोड़ा सा इतनी सी, तो वो क्या है हमारा, ठीक है, एसएचएम। और बाकी वो रिश्ता पढ़ जाइए a और x के बीच में, a और x के बीच में जो पैकेज मिलेगा या ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ओमेगा स्क्वायर कहलाता है, मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए वेरी गुड, तो अगले वीडियोज में हम लोग और आगे की कहानी को समझेंगे।